हेलो दोस्तों, आईटीआई पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वी ब्लॉक विद क्लैम फ्री हैंड स्केच। वी ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 30 डिग्री के एंगल पे एक साइड इधर खींचना है। और एक इधर पहले हम हल्की लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। पहले बॉक्स टाइप का हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम मैच कर देंगे कुछ इस प्रकार से। वी ब्लॉक का स्लॉट बनाने के लिए ये 5 है, 2 ऊपर छोड़ के 2 नीचे छोड़ देते हैं। इस साइड भी हम वही करेंगे। इस साइड भी हमें करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो बीच का जो पर्सन है उसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ हम थोड़ा छोटा ही देखेंगे क्योंकि बीच में हमें स्लॉट काटना है। बीच में हमारा जो 90 डिग्री का भी कट होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसे इसको ड्रॉ करने से पहले हम एक सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 4 mm है क्योंकि बीच 2 mm इसका पॉइंट, और इधर भी हम 2 mm लेंगे। अब इस दोनों को हल्का सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। और भी कट जो हमें काटना है उसका एक माप ले लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 mm इधर से भी। इस साइड से भी हम ले लेंगे लगभग 10 mm। और बीच का जो पर्स है उसको हम इरेज कर लेंगे। इसके बाद इस दोनों को मिला देते हैं। स्लॉट इधर भी कटेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मैच करेंगे। अब इस पॉइंट और ये इस पॉइंट को हम मैच करेंगे। अब हमारा जो ये भी कट कटा है, अब हम थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे कट कर देंगे। आप चाहे तो इस बॉक्स को सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। वी ब्लॉक बन के तैयार है। अब क्लैंप बनाने के लिए हम सेंटर लेते हैं। ये 5 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इस दोनों को मैच करके एक सेंटर निकालेंगे। हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा। सेंटर लाइन हम खींचेंगे कुछ इस तरह से 5 mm का। हमारा जो स्पैंडल जो बना होगा उसकी मोटाई हम ले लेंगे।
पेन को ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब इसके दोनों साइड को क्लैंप को ड्रॉ करेंगे हम। हम इस साइड कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। हम इसके पार्ट के नाम को लिख देते हैं। दोस्तों वी ब्लॉक का जो प्रयोग है गोल जॉब को मार्किंग या मशीनिंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक दो ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी। ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और बी ब्लॉक जो है क्लोजर ग्रेन कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं।